आज हम बात करने वाले हैं हेयर फिक्सिंग या बोल सकते हैं सिलिकॉन बॉन्डिंग के बारे में। दोस्तों, सिलिकॉन बॉन्डिंग उसे इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपके सिर में बाल नहीं है, गंजा बना चुका है, बाल आपके झड़ चुके हैं, आपका हेयर स्टाइल नहीं बन पा रहा है। आप आराम से हेयर फिक्सिंग, हेयर सिलिकॉन बॉन्डिंग, हेयर पैच का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होता है। दोस्तों, इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होता है, मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस तरह से होता है, जो हिस्सा आपका खाली होता है उस तरह से हम लोग इस तरह से हेयर पैच इस्तेमाल करते हैं। हेयर पैच इस तरह से रहता है। इस हेयर पैच को हम क्या करेंगे, किनारे वाले बालों के साथ सिलिकॉन एडहेसिव लगा करके हम चिपका देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। इसमें हम आराम से लगेंगे नहाना धोना गलती करना से सब कुछ करते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो सिलिकॉन बॉन्डिंग एजेंसी जो है यूएसए से आता है, उस एजेंसी को किनारे वाले बालों में आपके साइड के बालों में उसको सिलिकॉन एजेंसी लगा करके पेस्ट कर देते हैं। इसमें आप आराम से नेचुरल बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फिक्स हो जाता है आराम से। अगर आपके बाल झड़ चुके हैं, बना चुका है, नहीं बन पा रहा है, आराम से सिलिकॉन बॉन्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह होती है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, साइड इफेक्ट ना होने के कारण अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो हिस्सा आपका खाली होता है उसी से जो नेट हम जो तैयार करते हैं वो नेट के अंदर एयर पास होता है, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्लस हम कोई सर्जरी नहीं कर रहे हैं, ये बिना सर्जरी का होता है, जिसकी वजह से आप आराम से एयर पैच इस्तेमाल कर सकते हैं।